हेलो गाइस। तो गाइस आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप फेसबुक लॉक्ड में आप रियल गेट स्टार्टेड कैसे ला पाएंगे। गाइस जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी सकते होंगे, गाइस ये एक प्रकार का ग्लिच है। गाइस इसको लर्न मोर बोलो या फिर गेट स्टार्टेड बोलो, दोनों एक ही है। गाइस अगर ये जंजीर वाला लॉक ऐसे लगा है तो ये फेक गेट स्टार्टेड है। गाइस यहाँ पर हमारा एक डीपी होना चाहिए गाइस, और यहाँ पर हाथ का आइकन होना चाहिए गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि आप रियल गेट स्टार्टेड कैसे ला पाएंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, गाइस सभी जगह से फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर देना है गाइस, और सिंपल से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, आपको भी सेम टू सेम वैसा ही करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है गाइस, वरना आपका फेसबुक अकाउंट अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ वैसी आप भी करें गाइस। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे उसमें अपना आईडी लॉगिन कर लेना है गाइस। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसका फेक गेट स्टार्टेड आ रहा है गाइस। गेट स्टार्टेड तो नीचे में दे रहा है गाइस, बट ये रियल वाला नहीं है। हमारे यहाँ पर डीपी होना चाहिए गाइस, और हाथ का आइकन होना चाहिए, तो हम रियल गेट स्टार्टेड लाएंगे। तो आपको सीधे सीधे गेट स्टार्टेड का आइकन दिख रहा है गाइस, उसी पर क्लिक कर देना है गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी रिफ्रेश करिए कोई रियल गेट स्टार्टेड आने वाला नहीं है गाइस। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आप भी करो। तो गेट स्टार्टेड का आइकन दिख रहा है गाइस, उसी पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट क्लिक कर देता हूँ गाइस। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्राई कुछ भी होगा गाइस। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन भी दे रहा है गाइस, इस पर हम क्लिक करके भी दिखा देते हैं गाइस। इसको क्लिक करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है गाइस। यहाँ पर बोल रहा है कि हेल्प विथ हैकर अकाउंट, सही है गाइस, ऐसा आपको कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ होने वाला तो नहीं है गाइस। तो गाइस आप देख भी सकते हैं, फिर आप हमको बैक आना है गाइस। फिर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर वाज दिस हेल्पफुल, आपको भी यहाँ पर आ जाना है गाइस, और यहाँ पर नो का आइकन दिख रहा है गाइस, आपको उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे गाइस आपको सेकंड वाला ऑप्शन या फिर ऑर्डर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं सेकंड वाला पे क्लिक कर देता हूँ गाइस। आपको भी उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए गाइस। अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है गाइस, अभी ये तो पहला ट्रिक है गाइस, अगर आप वीडियो छोड़ के जाते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा गाइस। जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा यहाँ पर क्या लिखना है गाइस, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ गाइस। वैसे भी आप ही को भी वैसे ही करना है गाइस, मेरे आवाज़ पे मत जाइए गाइस, कुछ भी हो सकता है गाइस। जैसे ही मैं कर रहा हूँ गाइस आपको भी सेम टू सेम वैसा ही करना है, और जो जो भी अपना इंफॉर्मेशन बोलेगा सभी को यहाँ पर दे देना है गाइस। मैं फटाफट सब कुछ कर लेता हूँ, आपको भी वैसा ही करना है गाइस। तो आपको एक बार देख लेना है गाइस, कुछ गड़बड़ तो नहीं है गाइस। अगर आपको सही लगता है तो सबमिट पे क्लिक कर देना है गाइस। सबसे पहले यहाँ सबको भर लेना है गाइस, नाम नंबर डीओबी जो भी चीज़ है सब कुछ को भर लेना है गाइस। डीओबी पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यहाँ पर नाम ईमेल और मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे देना है गाइस, सही है गाइस, इतना चीज़ आपको देना ही देना है गाइस। डेट ऑफ बर्थ दो या फिर ना दो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल भी दो या फिर ना दो गाइस, फ़ोन नंबर ज़रूर देना है गाइस। अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो ईमेल एड्रेस तो ज़रूर होगा गाइस, उसी को आपको दे देना है। तो जैसे कि आप सब कुछ हो जाए तो गाइस आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है गाइस। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना है गाइस, मैं भूल गया था बताने के लिए, ताकि ये दूसरे ट्रिक में भी काम आ जाएगा गाइस, सही है गाइस, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा आपको। तो फिर आपको सर्च बार में चले जाना है गाइस, तो यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है फेसबुक हेल्प सेंटर, सही है गाइस, इतना आपको सर्च कर देना है गाइस, सही है गाइस, हेल्प सेंटर फेसबुक सॉरी गाइस, इतना ही आपको लिखना है गाइस। तो फिर यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा गाइस, आई कांट लॉग इन फेसबुक, सही है गाइस, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ भी नहीं देखना है गाइस, नीचे कुछ भी नहीं है, आपको नहीं देखना है गाइस, सीधा फेसबुक हेल्प सेंटर पे ही आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे फिर यहाँ पर वाज दिस हेल्पफुल का ऑप्शन आ जाएगा गाइज। यहाँ पर फिर नो पे क्लिक कर देना है, फिर दूसरा नंबर पे आपको क्लिक कर देना है गाइज, फिर जितना भी हम वहाँ पर कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है गाइज। फिर इतना होने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है गाइज। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ गाइज, अगर ये दोनों ट्रिक आप यूज कर लेते हैं तो आपका आइडेंटिटी वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा गाइज। यहाँ पर सीधा सीधा कोड वाला या फिर फ्रेंड वाला या फिर DOB वाला ही ऑप्शन आएगा गाइज। DOB वाला तो नहीं आएगा गाइज, कोड वाला ही ऑप्शन आएगा या फिर फ्रेंड वाला। सही है गाइज, सबमिट पे क्लिक कर देना है तो फिर आपको बैक आ जाना है गाइज। फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइज, क्रोम ब्राउजर से लॉग आउट नहीं करना है गाइज, अपना ID को सभी जगह से लॉग आउट करना है बट क्रोम ब्राउजर से लॉग आउट नहीं करना है। जैसे ही 7 डे होगा तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना है गाइज। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही गाइज, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब कर दो गाइज और लाइक भी कर दो।